जब पॉलिटिकल पार्टी बनाई सबने मजाक उड़ाया। अपनी अपनी जेब से पैसे खर्च करके शेरवानी सिलवा देता और इन लोगों को कहूंगा कि जहां से इमरान साहब गुजरेंगे वो कहेंगे वज़ीरे आज़म जा रहे हैं। हमारी तलाक इसलिए हुई थी कि वो यहां रह नहीं सकती थी। उसने इन्होंने यहां मैं अब क्या बताऊं, इन्होंने उसकी इतनी जिंदगी हराम की जो उस बेचारी से इन्होंने किया, ये शरीफ ब्रादरान ने जो ये मजलूम बनते हैं, उसको पहले आते साथ यहूदी लॉबी, वो इतनी तकड़ी फैमिली से वहां मुसलमान होके यहां आती है, उसको बुरा भला कहते हैं वहां, उसके अखबार कहते हैं कि बेवकूफ लड़की है मुसलमान हो गई। ये जब कोई लीडर अपने मुल्क के लिए खुदी को दांव पर लगा देता है तो उसका देश भी अपने लीडर के समर्थन में उठ खड़ा होता है। कमोबेश कुछ ऐसा ही माहौल पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी उस वक्त बना जब 7 मई को एक चुनावी रैली में इमरान खान 15 फुट की ऊंचाई से सीधे जमीन पर आ गए और फिर उसके बाद चारों तरफ मच गया कोहराम। मुझे खौफ खुदा है, मुझे अपनी आखिरत की फिक्र है, वोट की फिक्र नहीं है। सब माफिया को मैं आज आपको एक पैगाम देना चाहता हूं, मुझे अल्लाह ने ट्रेन किया हुआ मुकाबला करने के लिए, मैं एक स्पेशलिस्ट हूं मुकाबला करने का, मेरी खेलों की ग्राउंडों में 20 साल ट्रेनिंग हुई है। मुझे हारना भी आता है और जीतना भी आता है, हार के खड़ा होना भी आता है, मुझे मुकाबला करना आता है और मैं आज फिर चैलेंज कर रहा हूं आप सबको, सब इकट्ठे हो जाओ, जो भी करना है। मेरा ये अल्लाह से वादा है कि मैं एक आदमी को नहीं छोड़ूंगा जिसने इस मुल्क का पैसा चोरी किया। पाकिस्तान के लिए लड़ा हूं, जो मैं कर सकता था मैंने किया है। अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी लें, अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वो है घबराना नहीं,